पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। वहीं मौसम विभाग ने आज भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। नेटवर्क एंड संवाददाता ने हालातों का जायजा लिया है, देखिए। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी जारी है, वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में लगातार बारिश पिछले 3 दिनों से हो रही है। चंडीगढ़ के ताजा हालात की अगर मैं बात करना चाहूं तो चंडीगढ़ में भी आज मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। चाय की चुस्कियाँ जरूर यहाँ पर ये ले रहे हैं, सभी से जानकारी लेंगे। जिस तरीके से मौसम में तब्दीली हुई है, पहले कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, अब बारिश हो रही है, किस तरीके से देखते हैं इस मौसम? नहीं, बारिश के देखते हुए पहले ठंड कम हो गई थी, धूप आ गई थी बीच में, फिर बारिश करके फिर ठंड होगी दोबारा से, तो अभी थोड़ा ठंड हो गया, कोहरा आ गया, फिर दोबारा से धुंध आ गई है, बट अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बंदों को, तो इस करके थोड़ा वो चल रहा है। बारिश की वजह से कामकाज में दिक्कत? हाँ, कामकाज में तो प्रॉब्लम आती है, रोडों पर कीचड़ बहुत हो जाता है, पानी वगैरह वो इकट्ठा हो जाता है बीच में, तो फिर वो प्रॉब्लम आती है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और आज भी बारिश हो सकती है और बूंदाबांदी हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौसम? मैम, इस मौसम को लेकर एक्चुअली क्या, 3-4 दिन पहले तो जो बर्फ पड़ी थी उससे काफी सारा नुकसान हुआ था, क्योंकि रोड पे काफी जो चहल पहल थी वो काफी कम हो गई थी, और अब जो है अपना मौसम थोड़ा सा खुल गया है, कोहरा डाउन हो गया है, बट ये है कि बारिश की वजह से थोड़ी कीचड़ वीचड़ थोड़ा सा जरूर है, उस वजह से जो है थोड़ा सा लोगों का बाहर निकलना कम हो रहा है। काम काज में कैसी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इतना अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी ज्यादा बारिश? काम काज में ये है कि मैम आप देखेंगे कि देखिए जो ऑफिस वाले काम है वो तो कैब वैब करके पहुंच जाते हैं, जिनका मोटरसाइकिल्स पे काम है जैसे रैपिडो है या ये जोमेटो वोमेटो वाले हैं, उन पे जरूर फर्क पड़ता है काम के ऊपर। बिल्कुल, बारिश का मौसम है, चाय का सहारा आप लोग ले रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? मैम देखिए, इतनी सर्दी में फर्क तो पड़ता ही, हर काम काज पे काम फर्क पड़ता है, लेकिन उम्मीद है कि थोड़ा सा मौसम साफ रहे तो काम अच्छा चलता है उसमें सभी का ही, तो अभी तो कह रहे हैं कि 1-2 दिन और बारिश होने के हैं आसार, जैसे बारिश पर सड़कों में पानी होता है तो काफी इफेक्टिव होता है कामकाज में। बिल्कुल, आप काम के लिए जा रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रही है? हाँ, सुबह मेरे को रेलवे स्टेशन के लिए जाना था, बहुत कोहरा था सुबह रह गए, तो मुझे अब ऑफिस के लिए जाना था, तो यहाँ चाय परोठे खाने आ गए ठंड में, इसलिए थोड़ा सा हुआ आराम हुआ, नहीं बाकी तो दिक्कत बहुत है ठंड में। लगातार चाय का सहारा ले रहे हैं और? बिल्कुल बिल्कुल जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है जी, अभी ऑफिस जाना है मैंने, तो धुंध बहुत है बाहर। जनवरी महीने की बात करें, पूरे जनवरी महीने कोई बारिश नहीं हुई, फरवरी लगते ही लगातार फरवरी पहली तारीख से बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी यहाँ पे, तो 3 दिन लगातार बारिश हुई यहाँ पे, अभी आज सुबह सुबह बहुत कोहरा था आज। बिल्कुल, देखिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की खासतौर से बात करें तो येलो अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। सुबह कोहरे की वजह से यातायात सेवाएं काफी बाधित हुई थी और इस वक्त लगातार बारिश हो रही है, और मौसम विभाग का भी कहना है कि 5 तारीख के बाद ही मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी और आज भी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।